गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इस चैप्टर में बेसिकली आप पढ़ने क्या वाले हैं, हमने अभी लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो वही चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो किस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज में एग्जीक्यूट करता है। एक चीज़ जो इसमें क्लियर थी पहले से ही, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी की, दैट इज कि स्टॉक एक्सचेंज में जब प्रोसेस शुरू होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही पर्सन्स वहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। सपोज अगर किसी नॉर्मल पर्सन ने, नॉर्मल इन्वेस्टर ने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है, उसे ट्रेड इन द सेंस उसे कोई जो सिक्योरिटी है उसे बाय और सेल करनी है, तो वो थ्रू ब्रोकर करेगा। ब्रोकर इन्वेस्टर के बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करेगा। तो जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें फंक्शन नहीं कर सकता। तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म में इतना ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग हम इसको कह रहे हैं। ट्रेडिंग किस चीज़ की हो रही है या हम किस चीज़ की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स हैं इन्वेस्टर के, जो जितना ऑर्डर देता है, कोई ऑर्डर दे रहा है कि मुझे बाय करनी है इस कंपनी की, जो ये लिस्टेड कंपनी है इसके इतने शेयर्स मुझे बाय करने हैं, और दूसरा कह रहा है मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स सेल करने हैं। तो जो भी ये डिमांड आ रही है या सप्लाई हो रही है शेयर्स की, मतलब बाइंग और सेलिंग के लिए जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग मैकेनिज्म चलता है। जो इन्वेस्टर है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे थ्रू ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, या इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट वो जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के थ्रू भी अगर करेंगे तो पहले उन्हें किसके पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपने आप को ब्रोकर की जो साइट है या सब ब्रोकर की जो साइट है उसके ऊपर उसको रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी साइट पे जब जाके अपना मेल बनाते हैं तो आप लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, बाय या सेल करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को जो भी ब्रोकर है उसकी साइट पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आपको एक क्लाइंट जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट आपका, मतलब जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करते हैं जब आप अपनी आईडी बनाते हैं, उस तरीके से जो एग्रीमेंट है वहाँ पे शो होगा और आपको उसको एग्री करना होगा और आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर आप अपने मोबाइल से या अपने इंटरनेट से जो इन्वेस्टर है डायरेक्टली जो ऑर्डर है, जो भी सिक्योरिटीज उसे बाय और सेल करनी है, वो इंटरनेट के थ्रू उस वेबसाइट पे प्लेस करेगा और वो ब्रोकर के सिस्टम पे जाएगी और ब्रोकर उसे आगे फिर स्टॉक एक्सचेंज में एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से जो ये है पूरा जो मैकेनिज्म है फॉलो होता है। तो जो आप इसमें जो मैकेनिज्म है ये पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या किस तरीके से होता है। जैसे इंटरनेट पे हमने बात किया कि जो इन्वेस्टर है, जो बायर है और जो सेलर है, वो जिस प्राइस पर उसने सिक्योरिटीज़ को बाय करना है या जिसने जिस प्राइस पे सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, जब वो ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी भी लिखते हैं और प्राइस भी मेंशन करते हैं। तो क्वांटिटी और प्राइस जब आपने सिस्टम में डाला, बायर ने अपना डाला होगा, सेलर ने अपना डाला होगा, बहुत सारे हैं, मल्टीपल है, जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मैच करता है जो भी आपने बाय और सेल के ऑर्डर डाले हैं। जैसे सपोज किसी ने डाला कि उसे 500 शेयर्स ए बी लिमिटेड के खरीदने हैं 10 रुपीज पे, और दूसरे ने डाला कि वो 500 शेयर ए बी सी लिमिटेड के बेचना चाहता है 10 रुपीज पे, तो दोनों का जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसे मैच कर लेगा जो भी प्राइस और क्वांटिटी आपने एंटर की है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो प्रोसेस है आगे एग्जीक्यूट करेगा। हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अपना ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है। यहाँ जो हम ट्रेडिंग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम बीएससी और एनएससी का।
तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग मैकेनिज्म बीएससी पे। ट्रेडिंग मैकेनिज्म देखने से पहले जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, क्या ट्रेड कर रहे हो, किस टाइम पे ट्रेड होता है, कैसे ट्रेड होता है, कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसे अगर मैं नॉर्मल सेंस में बोलूँ कि जब भी आप मार्केट में कोई चीज़ बाय और सेल करने जाते हो तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, कौन सी शॉप से करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट बाय करना है, कैसे पेमेंट करनी है, कितने दिन के अंदर पेमेंट होगी, डिलीवरी कैसे मिलेगी आपको, वो सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं। सेम तरीके से जब स्टॉक एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है सिक्योरिटीज। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो बेसिकली बीएससी है वो अलाउ करता है टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज जो आप ट्रेड कर सकते हैं आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर। पहला है लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं, उन कंपनीज की सिक्योरिटीज होती हैं जो लिस्टेड हैं बीएससी पे, उन्हें हम लिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं। सिक्योरिटीज कंपनीज की जिन्होंने साइन किया है लिस्टिंग एग्रीमेंट बीएससी के साथ, उसे लिस्टेड सिक्योरिटीज कहा जाता है। और मैक्सिमम सिक्योरिटीज जो होती हैं वो इक्विटी की होती हैं। अब यहाँ पे भी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सेगमेंट्स होते हैं, वेरियस सेगमेंट बेसिस ऑन द सिक्योरिटी। जैसे इक्विटी का है तो उसका सेगमेंट अलग होगा, अगर डेप्ट का है तो उसका सेगमेंट अलग होगा। देन आता है परमिटेड सिक्योरिटीज। परमिटेड सिक्योरिटीज उन कंपनीज की सिक्योरिटीज को कहते हैं जो किसी और स्टॉक एक्सचेंज पर एक्टिवली ट्रेड कर रही हैं लेकिन वो बीएससी पर लिस्टेड नहीं है, और उन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए उसे परमिटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है अगर वो रेलिवेंट टर्म्स को फॉलो करती है। देन आता है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश में होगी या फ्यूचर में होगी, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कैश ट्रांजेक्शन। जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इन ट्रांजेक्शन में डिलीवरी और पेमेंट आपको देनी पड़ेगी एज पर कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट पीरियड। कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट पीरियड क्या होता है, ये हमने पीछे भी बात किया था कि रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। जैसे सपोज आपने जिस दिन ट्रेड किया, ट्रेड हम किसको कहते हैं, जब आपने सिस्टम में अपना बाइंग और सेलिंग का जो भी पर्सन थे उन्होंने अपना ऑर्डर डाला और उनका ऑर्डर मैच कर दिया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मैच कर दिया, तो वो ट्रेड हो गया, तो उसे हम टी कहते हैं, ट्रेड डे कहते हैं। अब वो उस दिन ट्रेड हो गया, आपको पता चल गया कि आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया। उसके बाद उसकी पेमेंट जो पर्सन है, शेयर्स जिसने देने हैं वो देगा और जिसने पेमेंट देनी है वो पेमेंट देगा। तो ये जो सारा काम है वेरिफिकेशन का और जो भी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होना है या मनी का एक्सचेंज होना है वो कुछ पर्टिकुलर डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है, उसी को हम कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। जैसे सपोज टी प्लस टू बेसिस है, टी प्लस टू बेसिस का मतलब है, टी का मतलब हुआ ट्रेड, प्लस टू का मतलब कि ट्रेड जिस दिन हुआ है उसके विद इन प्लस टू उसमें डेज कर लीजिए तो उसको आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो कैश ट्रांजेक्शन होती है वहां पे डिलीवरी और पेमेंट आपकी होती है एज पर कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट। और जो भी ट्रांजेक्शन सभी ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटीज में, इक्विटी सेगमेंट में या फिक्स सिक्योरिटीज जो लिस्टेड हैं बीएससी में होती हैं, उन्हें टी प्लस टू बेसिस फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। इसका फुल फ्लेज चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये क्या होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर दो पार्टीज ये आज डिसाइड कर रही है कि वो फ्यूचर में सिक्योरिटी जो है उसको बाय और सेल करेंगी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जो प्राइस आज डिसाइड आप कर रहे हो कि फ्यूचर में आप उस सिक्योरिटीज को बाय और सेल करोगे उस पर्टिकुलर प्राइस पे। सपोज दो पार्टीज हैं, राम है और श्याम है। राम एंड श्याम ने आज कॉन्ट्रैक्ट किया कि दो महीने बाद जो राम है वो श्याम को 500 क्विंटल्स जो वीट है वो देगा और जो प्राइस है वो डिसाइड हुआ 200 रुपीज़। दोनों ने ये एग्रीमेंट किया, तो आज किया एग्रीमेंट,
फ्यूचर में वो एग्जीक्यूट होना है, और जो एसेट है जिस चीज के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया वो क्या है आपकी, वो है वीट है। तो वीट को हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब आप उसको आगे खरीद और बेच सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में। जो प्राइस जो उस कॉन्ट्रैक्ट का है वो डेराइव होता है आपकी अंडरलाइंग एसेट से। और अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकती है? कोई भी स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कॉमोडिटी हो सकती है, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडेक्सेस, कुछ भी हो सकता है। और जो सेटलमेंट होता है वो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ट्रेडिंग टाइमिंग्स क्या है। ये जो ट्रेडिंग होती है बोल्ट पे, बोल्ट क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बीएससी का, बोल्ट सिस्टम उसे हम कहते हैं। तो जो बोल्ट सिस्टम पे ट्रेडिंग होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, 9:15 AM to 3:30 PM उसका टाइमिंग्स है। देन कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट हम अभी बात कर चुके हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम December 31, 2003 सारी ट्रांजेक्शन सभी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में जो इक्विटी सेगमेंट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में होती है जो लिस्टेड है बीएससी पे, उन्हें T+2 बेसिस का जो सेटलमेंट पीरियड है वो फॉलो करना उन्हें पड़ता है। तो टी का मतलब ट्रेड डे, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। और जो एक्सचेंज ऑफ मनी होना है या सिक्योरिटीज होना है बिटवीन बायर और सेलर, वो सेकेंड बिजनेस डे जब ट्रेड डे हुआ है उस पे तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसी को T+2 बेसिस हम यहाँ पे कहते हैं। ये जितना कम होता है उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टॉक एक्सचेंज को माना जाता है। जैसे पहले ये T+5 भी होता था, फिर T+3 भी हुआ, T+2 भी हुआ, अब वो T+1 भी है। नेक्स्ट इज योर ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे हमने क्या किया, जो सिक्योरिटीज, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं या जो हम परमिटेड सिक्योरिटीज कह रहे हैं, उन्हें हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो ग्रुप्स में क्लासीफाई हमने उन्हें कर दिया, ग्रुप्स में क्लासीफाई डिफरेंट बेसिस पे हमने कर दिया कि जो कंपनीज हैं जिनकी मोस्ट लिक्विड हैं सिक्योरिटीज, उनको हमने ए ग्रुप में डाल दिया, जिनकी थोड़ी कम लिक्विड हैं उनको हमने बी ग्रुप में डाल दिया। तो उस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज है उन्हें क्लासीफाई ए बी एफ जी एस टी एंड जी ग्रुप में किया गया है, कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बेसिस पे। जैसे ए ग्रुप है, ए ग्रुप में आपकी मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स जो हैं, जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं बीएससी की, वो आ जाती हैं। नियरली 200 कंपनीज एट प्रेजेंट ए कैटेगरी में है। देन बी ग्रुप में आपकी वो सिक्योरिटीज आ जाती हैं उन कंपनी की जो किसी और अदर कैटेगरी में नहीं है, जैसे जो ए एफ टी टी एस 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 एल बी और जेड ग्रुप में नहीं है वो बी ग्रुप में आ जाती हैं। देन एफ ग्रुप में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आ जाती हैं वेरियस टाइप्स और फीचर्स की जो ट्रेड आप करते हो, और एफ ग्रुप रिप्रेजेंट करता है डेप्ट मार्केट सेगमेंट को, और ये जो सेटल होती हैं बेसिस पे T+2 बेसिस पे होती हैं। देन जी ग्रुप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, एस ग्रुप में आपकी वो सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो बीएससी के इंडोनेक्स प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। देन टी ग्रुप में वो सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो अंडर दी ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पे होती हैं। टीएस ग्रुप में वो सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो बीएससी इंडोनेक्स सेगमेंट में होती हैं, और इसमें वो स्टॉक्स भी इंक्लूड होते हैं जो ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पे सेटल होते हैं। देन जेड ग्रुप में आप जो जेड ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बीएससी में July 1999 में, और इसमें वो कंपनीज की सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती या जो इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को फुलफिल नहीं करती हैं। देन डी ग्रुप में जो कंपनीज हैं वो अप्लाई करती हैं लिस्टिंग के लिए, जिसने अप्लाई किया हुआ एक्सचेंज पे थ्रू डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म, उन्हें हम डी ग्रुप में प्लेस करते हैं। देन डी टी ग्रुप जो होता है, जो कंपनीज पुट कर रही हैं ट्रेड में, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए, उन्हें हम डी टी ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।